जलदाय मंत्री के शहर के लोगों ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन। जलदाय मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला के गृहनगर में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। आज इंदिरा कॉलोनी व सुभाषपुरा के लोगों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए बताया। जलदाय मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला के गृहनगर में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। आज इंदिरा कॉलोनी व सुभाषपुरा के लोगों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए बताया कि अमृत जल योजना के अंतर्गत दो मोहल्लों को ट्रायल बेस पर 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाने के लिए 2018 में टंकी का निर्माण हुआ था। वह इन दोनों मोहल्लों की सभी सड़कों को तोड़कर छोड़ दिया गया है। 2022 में कार्य समाप्त हो जाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। मोहल्लेवासी भगवान राम ने बताया कि पुरानी पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है व नई पाइपलाइन से 24 घंटे की जगह मात्र 1 घंटे पानी दिया जाता है। पानी की सप्लाई को 24 घंटे चालू करवा कर टूटी सड़कों का अविलंब दुरुस्त करवाया जाए। बीकानेर राजस्थान से सुरेश जैन की रिपोर्ट। भगवान जी टंकी पर क्यों चढ़े हैं? बीकानेर के अंदर अमृत जल योजना के अंदर इंदिरा कॉलोनी और सुभाषपुरे को दो मोहल्लों को ट्रायल बेस पर 24 घंटे पानी देने के लिए 2018 के अंदर ये टंकी का निर्माण हुआ था और पूरी कॉलोनी की सभी सड़कों को तोड़कर छोड़ दिया है। 2020 के अंदर कार्य समाप्त हो चुका है लेकिन आज दिनांक तक कार्य पूरा नहीं हुआ। पुरानी पानी की सारी पाइपलाइनें बंद कर दी है, नई में इन्होंने अभी तक पानी चालू नहीं किया और अगर देते हैं तो जहाँ पर 24 घंटे की बात थी मात्र 1 घंटे पानी दिया जाता है। हमने बार बार जलदाय विभाग के अधिकारियों से बात की, उनका घेराव किया, प्रदर्शन किया, झूठे आश्वासन के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। आखिरकार आज मजबूरन हमें इस पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर हमारी पानी की मांग जो 24 घंटे सरकार ने बात की थी उस 24 घंटे पानी की हमें सप्लाई दी जाए, जो सड़कें तोड़ी गई थी उन सड़कों को दुरुस्तीकरण किया जाए और तुरंत प्रभाव से सभी घरों में कनेक्शन किया जाए। मैं कह रहा हूँ कि हमारे बीकानेर के अंदर जलदाय मंत्री है लेकिन पानी की इस मौसम में अगर ये स्थिति है तो आने वाले गर्मी के दिनों में पानी की क्या नौबत आएगी। बीकानेर की प्रत्येक जनता, आम जनता और इंदिरा कॉलोनी और सुभाषपुरा की जनता प्यासी है।